कांग्रेस के घोषणा पत्र को आप देखते हैं, दो बातें उन घोषणा पत्र में नजर आती हैं। एक, कांग्रेस कहती है कि हम व्यक्तिगत कानून को लागू करके शरिया कानून को लागू करवा देंगे। इसका मतलब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के लिए ये लोग खतरा पैदा करना चाहते हैं, यानी देश के संविधान को एक खतरा पैदा खतरे में डालना चाहते हैं, तालिबानी शासन लागू करना चाहते हैं। क्या हम तालिबानी शासन को स्वीकार करेंगे? क्या ये देश तालिबानी शासन को स्वीकार करेगा? और दूसरी तरफ क्या कहते हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। और गरीबी कैसे मिटाएंगे? यानी आपकी संपत्ति को हड़प करके बेटी और माताओं के, बहनों के जो उनके गहने होंगे उनको ये लोग जब्त करवाने की साजिश रच रहे हैं। यानी देश को तो इन्होंने 60 दशक 6 दशक तक लूटा और अब कह रहे हैं कि हर संपत्ति पर ये लोग डकैती डाल करके उसको जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर उसका बंदर बांट करेंगे। क्या आप स्वीकार करेंगे कांग्रेस की सुची चेष्टा को?